वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्लैशबैक कमांड के बारे में। तो फ्लैशबैक कमांड का यूज हम लोग रिसाइकल बिन से टेबल को वापस लाने के लिए करते हैं, या ऐसे बोलिए कि रीस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, किसको रिस्टोर करने के लिए? रिसाइकल बिन से टेबल को रिस्टोर करना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैशबैक कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हैं ना, तो वो टेबल ड्रॉप होने के बाद कहाँ चला जाता है? इट मूव्स टू रिसाइकल बिन। ओके, तो अगर आप चाहते हैं रिसाइकल बिन से दोबारा आप अपने डेटाबेस में उस टेबल को लाएं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लैशबैक कमांड का यूज करना पड़ेगा। इट इज क्लियर? तो देखिए फ्लैशबैक कमांड क्या है। फ्लैशबैक कमांड इज यूज टू रिस्टोर टेबल फ्रॉम रिसाइकल बिन। ओके, सो What is the syntax? Syntax is flashback table, table name to before drop. This is the syntax. Now suppose मुझे क्या करना है कि मुझे मैंने एक पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो रिसाइकल बिन में गया, उसके बाद हम लोग फिर से रिसाइकल बिन से उसको लाएंगे वापस। ओके, रिस्टोर करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, सिंपल सा फ्लैशबैक करने का तो ये कमांड हो जाएगा, फ्लैशबैक टेबल स्टूडेंट टू बिफोर ड्रॉप। लेकिन करेंगे कैसे, अब देखते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी जस्ट एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, तो मेरे पास स्टूडेंट टेबल तो है, ये तो कंफर्म हो गया, जस्ट मैंने क्रिएट ही किया है। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, दैट इज टेबल नेम, व्हाट इज दैट टेबल नेम, स्टूडेंट। ओके, इसको जैसे मैं रन करूंगा टेबल ड्रॉप हो गया, रिसाइकल बिन देख लीजिए। सो रिसाइकल बिन, ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट नाम का टेबल है, ड्रॉप हुआ है, ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, टेबल है, रिसाइकल बिन नेम ये है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, छोड़िए। ड्रॉप टाइम देख लीजिए, अभी का टाइम है, आज ही का डेट है, सब चीज एक्यूरेट है। ओके, तो ये टेबल ड्रॉप करने के बाद कहाँ आ गया, रिसाइकल बिन में आ गया है। ओके, अब मैं रिसाइकल बिन से इसको वापस ले जाना चाह रहा हूँ अपने डेटाबेस में, तो कैसे करूंगा मैं, सिंपल सा वही क्या लिखना है आपको, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम, क्या टेबल नेम है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, फ्लैशबैक टेबल स्टूडेंट, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद बताइए, स्टूडेंट टू बिफोर ड्रॉप। ओके, कंफर्म, ये सिंटेक्स याद है आप, देखिए फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, क्लिक कीजिए, एंटर करिए, देखिए फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया, फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये टेबल आया कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा, सिंपल DSE डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिख दीजिए स्टूडेंट, रन कीजिए, देखिए ये टेबल है, टेबल का डिस्क्रिप्शन अगर अवेलेबल है हमारे पास, मतलब ये टेबल आ गया है वापस, दिख रहा है टेबल आ गया है। ओके, और एक चीज और बता दूं, देखिए मैं ड्रॉप करूंगा अगर टेबल को, ये फिर से ड्रॉप हो रहा है, देखिए एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये ड्रॉप हो गया। Wait, what happens? Okay, sorry. Drop table student. Syntax थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था. So drop table student. तो ये dropped हो गया ना, उसके बाद आप ये देखिए तो DESC लिखिए और फिर student लिखिए. Okay, description आपको चाहिए student table का. क्या आएगा? ये देखिए जैसे run कीजिएगा ना, आएगा object student does not exist. ये है ही नहीं, ये तो कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में चला गया है। ओके, एक और केस क्या बनता है कि मान लीजिए ये मैंने ड्रॉप कर दिया टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल मैंने अभी ड्रॉप किया है। ओके, अब क्या हुआ कि किसी ने क्या किया, इसी यूजर नेम से एक और स्टूडेंट टेबल बना दिया, ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट टेबल बना दिया फिर से। ओके, टेबल क्रिएट हो गया, एक नया स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो रिसाइकल बिन वाला है ना स्टूडेंट टेबल, वो मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ, बट ऑलरेडी डेटाबेस में उसी नाम का टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि हम लोग रीस्टोर कर लें रिसाइकल बिन वाले स्टूडेंट टेबल को और नाम चेंज करते हैं। जब रीस्टोर करें ना, उस समय हम लोग उसका नाम चेंज कर दें। ओके, नाम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आप नाम नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं लिखूं
फ्लैशबैक कमांड यूज करूं मैं, अगर फ्लैशबैक टेबल स्टूडेंट ओके टू बिफोर ड्रॉप, ओके, क्योंकि हमने ड्रॉप तो किया ही था, अभी जस्ट ड्रॉप किया था ना, उसके बाद हमने फिर से एक स्टूडेंट टेबल बनाया, तो मैं उस ड्रॉप वाले टेबल को क्या करना चाह रहा हूं, मैं वापस लाने के लिए ये कोड लिख रहा हूं, फ्लैशबैक टेबल स्टूडेंट टू बिफोर ड्रॉप। तो जैसे एंटर करूंगा देखिए एरर मिल जाएगा, क्या एरर मिल जाएगा कि ओरिजिनल नेम इज यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ओके, रिसाइकल बिन वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी जो अभी डेटाबेस में है उसी को, क्लियर है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रिसाइकल बिन में टेबल है उसका नाम चेंज करके आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, यही कमांड लिखिए, देखिए वेट कीजिए मैं आपको बताता हूँ, इतना आपने लिख लिया सेम कमांड, इतना लिखिए बस, आगे आपको क्या लिख देना है, रीनेम रीनेम टू स्टूडेंट वन, ओके, कुछ भी स्टूडेंट को छोड़ के कुछ भी, रीनेम टू स्टूडेंट वन कर दिया मैंने, एंटर किया, फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया। अब देखिए डीएससी स्टूडेंट वन, ओके, तो देखिए ये आ गया आपका, ये वेट, ये आ गया आपका स्टूडेंट वन का डिस्क्रिप्शन, ओके, वही टेबल है पुराना वाला जो ड्रॉप किया था, फिर से हमने उसको रिस्टोर कर लिया। तो समझ में आया आपको, तो ये क्या था, फ्लैशबैक विथ रीनेम का कॉन्सेप्ट था। तो यही बात है, मैंने यही बात मैंने बताई, यू कैन ऑल्सो रीस्टोर द टेबल फ्रॉम रिसाइकल बिन विथ न्यू नेम, यही मैंने करके बताया आपको, न्यू नेम के साथ रीनेम करने के बाद क्या कर लिया हमने, रीनेम करके उसको रिस्टोर कर लिया, सिंपल। तो फ्लैशबैक टेबल स्टूडेंट टू बिफोर ड्रॉप रीनेम टू स्टूडेंट वन, यही मैंने किया, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट किसका था, फ्लैशबैक का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।